लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जब हमने शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट को डिस्कस किया था तो वहां पे हमने ऑब्जर्व किया था कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर विजा यू शेप कर और ये यू शेप क्यों थी दैट इज बिकॉज ऑफ फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कि जब हमने बात की व्हीट प्रोडक्शन की तो हमने कहा वीट प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ लेबर कीपिंग अदर क्वांटिटीज कीपिंग अदर इनपुट्स कॉन्स्टेंट अब ये जो अदर इनपुट्स हमने कॉन्स्टेंट किया था इन सबके अगेंस्ट जो भी कॉस्ट बेयर करना पड़ रही थी दैट इज द फिक्स्ड कॉस्ट और यहां पे जो आपके एवरेज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट में जो भी चेंज आ रही है दैट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अब जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट करेगी कि अगर मैं यू बात करूं देर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ आर डूइंग बिजनेस आर दैट आर प्रोड्यूसिंग आउटपुट इन इन मार्केट तो वहां पे क्या होगा द फार्मर इज साइज फार्म ऑपरेटर या तो वो मीडियम साइज फार्म ऑपरेटर होगा या वो लार्ज साइज फार्म ऑपरेटर होगा और यहां पे जो उसकी शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट होगी फॉर स्मॉल फार्म साइज ऑपरेटर वो कुछ डिफर करेगी फ्रॉम द फार्मर हुआ बिजनेस अंडर मीडियम मीडियम फार्म साइज और इसी तरह जो लार्ज फार्म साइज ऑपरेटर होगा उसकी भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कुछ डिफर करेगी अब यहां पे जो हम तीन डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मर की बात करें यहां पे वेरिएशन कहां पे आ रही है ओनली इन साइज अब अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को आप कह लें एक दफा रेप्लीकेट करूं विद रेफरेंस टू अ फार्मर जो कि ऑपरेट कर सकता है अंडर थ्री डिफरेंट सेटिंग्स वो डिफरेंट सेटिंग्स क्या है या तो वो एज अ स्मॉल फार्मर ऑपरेट कर सकता है वो एज अ मीडियम फार्मर ऑपरेट कर सकता है और वो एज अ लार्ज फार्म फार्मर ऑपरेट कर सकते हैं वो स्मॉल फार्मर के तौर पे कब ऑपरेट करेगा जब उसको ऑब्जेक्टिव होगा कि मुझे कुछ लोअर लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना है बाय यूजिंग गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज के जी अब अगर मैं इस रेफरेंस में बात करूं कि या फार्मर कैन ऑपरेट अंडर थ्री डिफरेंट सेटिंग्स अंडर थ्री डिफरेंट फॉर्म डिफरेंट फॉर्म साइज इज तो वहां पे जो आपके पास शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होंगे देर आर थ्री डिफरेंट शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व अ फार्मर कैन फेस अब उसी चीज को डिपिक्ट करने के लिए हम इस डायग्राम में एक ही फार्मर के लिए आप कह लें तीन डिफरेंट शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रा कर रहे हैं शॉर्ट रन एस एस सी वन इज द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व व्हेन फार्मर ऑपरेट अंडर स्मॉल फार्म साइज और उसी फार्मर की आप कह लें शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व एस एस हो जाएगी जब वो ऑपरेट करेगा अंडर मीडियम फार्म साइज और उस फार्मर की जो एस एस थ्री शॉर्ट रन एवरेज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर वेन ही ऑपरेट अंडर अ लार्ज फार्म साइज हां जी वो शॉर्ट में कब करेगा फार्मर विल ऑपरेट अंडर शॉर्ट फार्म साइज अंडर स्मॉल फार्म साइज जब उसका ऑब्जेक्टिव होगा प्रोड्यूस रेलेटिवलीवल ऑफ आउटपुट क्या जी अगर फार्मर का ऑब्जेक्टिव है कि ही शुड प्रोड्यूस ए लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल पे हम क्या शो कर रहे हैं हम यहाँ पे शो कर रहे हैं एग्रीकल्चरल आउटपुट और ऑब्जेक्टिव है फार्मर का टू तो प्रोड्यूस ए लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट ओ ए लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट हाँ जी ये लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते है वो फार्मर अलोंग एस ए सी वन कर जी इसको वो प्रोड्यूस कर सकता है अलोंग एस से सी टू कर लेकिन उसकी जो एवरेज कॉस्ट है दैट विल बी लेस व्हेन ही ऑपरेट्स एज अ स्मॉल फार्म स्मॉल फार्मर लेकिन अगर वो एज अ मीडियम फार्मर ऑपरेट करेगा तो उसकी कॉस्ट क्या होगी ही हैज टू बी रिलेटिवली अ हाई एवरेज कॉस्ट तो उसके लिए डिजायरेबल क्या है कि ही शुड मेक प्रोडक्शन अंडर एस ए सी वन ही शुड मेक प्रोडक्शन एज अ स्मॉल फार्मर लेकिन अगर उसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोड्यूस ए प्राइम लेवल ऑफ आउटपुट तो अब इस ए प्राइम लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए अगेन फार्मर हैज टू ऑप्शन अगर वो एज अ स्मॉल फार्मर ऑपरेट करेगा तो उसको क्या उसको कॉस्ट बियर करना पड़ेगी एस से सी वन कर्व के साथ और ये जो कॉस्ट है दैट इज हाई देन कॉस्ट दैट ही कैन फेस इफ यू ऑपरेट एज अ मीडियम फार्मर हाँ जी डिजायरेबल उसके लिए क्या होगा कि ही शुड मेक प्रोडक्शन ऑफ ए प्राइम लेवल ऑफ आउटपुट एज अ मीडियम साइज फार्मर और यहां पे जो आपके पास मीडियम साइज फार्मर के लिए हमने एस एस सी टू करा की है यहां पे उस फार्मर की कॉस्ट एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगी इफ वी मेक प्रोडक्शन ऑफ बी लेवल ऑफ आउटपुट कि अगर उसको ओ बी लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो उसकी जो एवरेज कॉस्ट है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट दैट विल बी मिनिमम अलोंग एस से सी टू कर हाँ जी आल तो बी लेवल ऑफ आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस अलोंग एस ए सी वन कर एंड एस ए सी थ्री कर लेकिन इस यहां पे क्या होगा कि दोज कॉस्ट दोज एवरेज कॉस्ट्स आर मच हाई देन द एवरेज कॉस्ट दैट ही कैन फेस इफ ही प्रोड्यूसेस एज अ मीडियम फार्मर अब अगर वहां पे फर्दर हम कह लें कि देर इज फर्दर एक्सपेंशन द फर्दर एक्सपेंशन इन द आउटपुट तो टू एक्सपेंड द लेवल ऑफ आउटपुट अब उसको क्या करना पड़ेगा इट माइट बी पॉसिबल ही शुड एक्ट एज अ लार्ज फार्मर क्योंकि अगर अब वो यहां पे एज अ लार्ज फार्मर ऑपरेट करेगा तो यहां पे उसकी जो एज अ लार्ज फार्मर जो अब वो ऑपरेट करेगा उसको जो एवरेज कॉस्ट फेस करना पड़ रही है वी आर डिपिक्टिंग दैट एवरेज कॉस्ट एज एस ए और ये एस है कर्व इट डिनोट्स द लोअर कॉस्ट एज कंपेयर टू ए फार्मर मेक ए फार्मर प्रोड्यूस दिस लेवल ऑफ आउटपुट अलॉन्ग एस ए सी टू कर लेकिन एक चीज आप यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि आल तो टू प्रोड्यूस ओ सी लेवल ऑफ द आउटपुट देयर इज इंक्रीज इन एवरेज कॉस्ट टू प्रोड्यूस ओ सी लेवल ऑफ आउटपुट एज कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट

कॉस्ट अगर उसे ओबी लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो बेहतर है कि वो एक्ट करे एज अ मीडियम फार्मर स्मा, एज अ स्मॉल फार्मर ऑपरेट करेगा या एज अ लार्ज फार्मर ऑपरेट करेगा तो उसको कॉस्ट कुछ हाई बियर करना पड़ेगी लेकिन जब उसका ऑब्जेक्टिव ओसी लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो देन उसकी कॉस्ट मिनिमम होगी इफ ही एक्ट एज अ लार्ज फार्मर क्योंकि अगर वो एज अ मीडियम फार्मर ऑपरेट करेगा तो उसकी एवरेज कॉस्ट टू प्रोड्यूस ओसी लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगी दैट इज हाई एज कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट व्हेन ही एक्ट एज अ लार्ज फार्मर अब जब आप रन एवरेज कॉस्ट कर्व की बात करते हो वी आर बेसिकली गेटिंग दिस लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व और ये जो मेरे पास लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है दिस लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बेसिकली एनवेल्प द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर बेसिकली व्यू आर गेटिंग बाई टेजेंसी ऑफ द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और अगर मैं इस सारे को समराइज कर दूं कि बेसिकली लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट रिपोर्ट मिनिमम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन अगेंस्ट डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट मिनिमम एवरेज कॉस्ट मिनिमम पर यूनिट कॉस्ट टू प्रोड्यूस डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट